शनिवार को बीजापुर में जो नक्सली जो अटैक हुआ था उसमें डिप्टी कमांडर मनीष कुमार जो कि घायल हो गए थे और उन्हें राजधानी रायपुर के जो MMI नारायणा अस्पताल है वहाँ पे उन्हें लाया गया इलाज के लिए। सीधा उनसे बात करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत करीब से वो जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसे देखा है। सर, पूरा जो घटनाक्रम रहा है काफ़ी करीब से आपने उसे देखा है, किस तरह से नक्सली वहाँ से गोलीबारी कर रहे थे, किस तरह से और करीब कितने की तादाद में वो लोग थे? नक्सलियों की संख्या करीब 400 से ऊपर रही होगी और वो उन्होंने जो आसपास की टेकड़ियां थी, पहाड़ियां थी, उसको कवर कर रखा था और उससे वो फायर कर रहे थे जिससे लोगों को नुकसान हुआ। क्योंकि आप लोग धीरे धीरे बढ़े होंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े होंगे, तो कहीं ना कहीं तो ऐसे अचानक ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर आप लोग घिर गए और नक्सलियों ने जो बात सामने आ रही कि घेर कर वार किया है? नहीं, घेर के तो नक्सलियों ने हमें हम लोगों के ऊपर कोई वार नहीं किया। अब टेकरियां हैं, टेकरियों में वो पहले से मौजूद हैं, गांव वालों का उनका सहयोग है तो इस वजह से वो थोड़ा अपर हैंड उनका रहा, यही कह सकते हैं। घेर के उन्होंने कोई वार नहीं किया हमारे ऊपर। जो आप लोग की जो यूनिट थी करीब कितने की संख्या में आप लोग थे? जो PS तरेम से गई थी जितना बताया गया है नफरी, वो पर्याप्त मात्रा में थी वहाँ पर, जो आसानी से उनके एम्बुस को उन्होंने तोड़ा और सही तरीके से उनको जो है जवाब दिया हम लोगों ने। तो ये हमारे साथ थे डिप्टी कमांडेंट जो मनीष थे। एक बात और कि जो अभी जो नक्सली कमांडेंट की बात आ रही है, क्या आप लोग जब उसमें मुठभेड़ हो रही थी क्या उसे देखा? नक्सली कमांडर जो हिडमा है वो कभी भी सामने से लड़ाई नहीं करता है, वो हमेशा बेगुनाह ग्रामीणों को, बेकसूर लोगों को अपने आगे रखता है और सबसे पीछे रह के लड़ता है ताकि वो मरे नहीं जिंदा रहे, उसको अपने मरने का भय रहता है इसलिए। तो साफ तौर पे बात है कि जो पूरी घटना हुई तो कहीं ना कहीं जो नक्सली कमांडर हिडमा है वो कहीं ना कहीं जो चार घेरे में जो रहने की बात आती है, छुप कर वार करने की जो बात है नक्सलियों की, तो वो साफ तौर पर यहाँ पर देखी गई है। कैमरामैन अरुण के साथ रोहित वर्मन, TCP न्यूज़ रायपुर। TCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।